सुबह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आज जब पुलवामा हमले को हुए एक वर्ष हो गया है, दो बुनियादी प्रश्न उठाए थे। पहला प्रश्न कि किस प्रकार एक बड़े पैमाने पे और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया इस देश में, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी अभी तक केंद्रीय सरकार पे तय नहीं हुई। दूसरा जो विषय उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सैनिकों की शौर्यता का और बलिदान का उपयोग करना जानती है, भाजपा की यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, और किस प्रकार आज देश के शहीद के परिवार एक साल हो गया है मदद की गुहार लगा रहे हैं, पर इस गूंगी बहरी सरकार पे उसका कोई असर नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, इस गूंगी बहरी सरकार से, जिसे जवाबदेही और जिम्मेदारी से चिढ़ है, के देशवासियों के प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। वही पुराने सड़े गेले पैंतरे तंज कसे गए, पर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर तो क्या आना था, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला, आत्मा को झंझोर देने वाला, एक सैनिकों के फंड से जुड़ा स्कैम इस देश के सामने अब रखने जा रहा हूं। फौज कहते हैं, फौज ही तो है बुनियाद, फौज ही तो है बुनियाद इस देश की सुरक्षा की, उनको भी भाजपा के जुमलों से ठगा जा रहा है। पुलवामा हमले से पहले भाजपा की केंद्रीय सरकार ने एक भारत का वीर फंड की स्थापना की, ताकि जो इस देश के बेटे इस देश की सेवा में, इस देश की सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं, उस फंड का पैसा उनके परिवारों को दिया जाए, ताकि उनके परिवार किसी मुश्किल दौर या कठिन समय का उनको सामना ना कर पाए, कि उस उनके बलिदान का जो ये देश ऋणी है, उनके बलिदान की कोई कीमत नहीं चुका सकता, पर यह फंड उनकी सहायता और सहूलियत के लिए स्थापित किया गया था। जब पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद इस फंड में देशवासियों ने देश प्रेम के लिए, सुरक्षा के लिए जो इज्जत मान और आदर है, जो सुरक्षा बलों के लिए देश का प्रेम है, जो सुरक्षा बलों के लिए इज्जत ये देश उनको बख्शता है, उसके लिए उस भारत का वीर फंड में चंदा 12 गुना बढ़ गया। दोहरा देता हूं, पुलवामा हमले के बाद भारत का वीर फंड, जो गृह मंत्रालय का फंड है जिसमें देशवासी पैसा डालते हैं सिपाहियों के लिए, उसमें 12 गुना चंदा बढ़ गया, क्योंकि देशवासी इस बात को जानते हैं कि उन शहीद सैनिक के परिवारों को अब देशवासियों की सहायता की जरूरत है। तो भारत के वीर फंड में तकरीबन 250 करोड़ रुपया 18 जुलाई 2019 तक इस फंड में था और है, 250 करोड़ रुपया। इस फंड की खुद मीटिंग गृह मंत्री श्री अमित शाह करते हैं और यह सीधा होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस भारत का वीर फंड में 250 करोड़ रुपया है, जैसा मैंने आपको सुबह बोला, जो 40 पुलवामा हमले में इस देश के बेटे शहीद हुए, उनके परिवारों के साथ जो वादा किया था, किसी को 25 लाख और किसी को 50 लाख, उनको एक रुपया तक नहीं पहुंचा। पहला उदाहरण मैंने आपको संजू देवी का दिया था, जो 24 साल की विधवा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरा उदाहरण मैंने आपको कौशल कुमार रावत का दिया था, जिनकी पत्नी कह रही है चिता जलाने वक्त तो सब पहुंच गए थे, फोटो सबने खिंचवाई, पर 25 लाख और सरकारी नौकरी और जो मुआवजा मिलना था आज तक नहीं मिला। अब ऐसे और किस्से, दर्दनाक किस्से जो नजर के सामने आ रहे हैं, कि केवल एक ही दो लोग नहीं, अनेक सैनिक के परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा है, वादा खिलाफी की है। ये हरि सिंह है अपने छोटे से बच्चे के साथ, हरियाणा से, ये उनकी तस्वीर है हरि सिंह की। पूरा देश, मैं उम्मीद करता हूं इस देश का मीडिया साहस दिखाएगा केंद्रीय सरकार को यह तस्वीर दिखाने के लिए,
इस हरि सिंह ने इस देश के लिए पुलवामा में अपनी जान दी। 50 लाख इनको देने के इनके परिवार को वायदा था, सरकारी नौकरी देने का वादा था, मुआवजा देने का वादा था, ताकि इस छोटे से बच्चे का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल रहे, पर उनको एक रुपया तक नहीं पहुंचा। कौशल कुमार रावत और महेश यादव, ये उनकी तस्वीर है, जिन्होंने पुलवामा में जो उत्तर प्रदेश से हैं अपना बलिदान दे दिया।